गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज योर मॉरल वैल्यूज असाइनमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द असाइनमेंट, फर्स्ट वी टेक प्लेज। आई परमिंदर कौर कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we start. This is your moral value book. Our Ethics, a book on moral education. Today we read the first lesson of this book. This is your oral subject. First lesson is God is great. God is great. Start. Poja, a village man, was traveling from one village to another for some work. कहते ये क्या है? One is Poja, किसी एक human का name है, वो travel करना कर रहा है from one village to another. One village to another means एक village से किसी दूसरे village में किसी काम के लिए for some work. It was a hot day. Hot day means गर्मी का दिन, ठीक है? तो बहुत गर्मी थी उस दिन. पोजा वाज वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से सुबह से ही जो है वो वॉक कर रहा था, चल रहा था. इट वाज आफ्टरनून, अब क्या हो गया था? आफ्टरनून. ही वाज वेरी टायर्ड एंड लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेस्ट टिल आफ्टरनून. वो बहुत थक गया था, टायर्ड हो गया था एंड वो कोई प्लेस देख रहा था रेस्ट करने के लिए जहाँ वो आराम कर सके, ठीक है. द रोड वॉज लॉन्ग एंड डस्टी, जो रोड था वो बहुत लंबा था और डस्टी था, गंदा था, वो वहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकता था. देयर वॉज नो रेस्ट हाउस अलोंग द रोड, वहाँ रोड पर कोई भी रेस्ट हाउस नहीं था. अलोंग द रोड, पूरे रोड पर कोई रेस्ट हाउस नहीं था. सडनली ही सा अ ह्यूज बैनियन ट्री, फिर उसने क्या देखा अचानक से? एक बड़ा सा बैनियन ट्री देखा. ही वॉज वेरी हैप्पी, उसको देख के वो बहुत खुश हुआ. ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द ट्री एंड टेक सम रेस्ट, उसने डिसाइड किया कि वो अब ट्री के नीचे बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करेगा, ठीक है. ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द ट्री एंड टेक सम रेस्ट, कि वो थोड़ी देर यहाँ बैठ के ट्री के नीचे बैठ के रेस्ट करेगा. ही एट हिज लंच सिटिंग अंडर द ट्री, उसने क्या किया? जो उसके पास लंच था वो उसने अपना लंच किया ट्री के नीचे बैठ के, ठीक है. आफ्टर लंच ही लीन्ड बैक अगेंस्ट द ब्रॉड ट्रंक ऑफ द ट्री, उसने क्या किया? लंच करने के बाद वो थोड़ा सा उसको ट्री के ट्रंक के साथ अपनी बैक लगा के रेस्ट करने लगा, ठीक है. जैसे लीन मतलब होता है जैसे लम्बे पहना लीन, तो उसने थोड़ा सा अपनी बैग को उसके ट्रंक के साथ सहारा दे के रेस्ट करने लगा. ही लुक्ड अप एंड सॉ द फ्रूट्स, उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखे? फ्रूट्स देखे, फ्रूट्स ऑफ बैनियन ट्री. जब वो वहाँ रेस्ट करने लगा तो उसका ध्यान ऊपर हुआ तो उसने देखा कि जो ट्री है बैनियन का उस पर फ्रूट्स हैं, ठीक है. हाउ स्ट्रेंज, उसने बोला कि ये कितना स्ट्रेंज बात है ये. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि हाउ स्ट्रेंज सच अ बिग ट्री हैज सच टाइनी फ्रूट्स, कि इतना बड़ा जो पेड़ है उस पर इतने छोटे फ्रूट्स हैं, ठीक है. सच अ बिग ट्री हैज सच टाइनी फ्रूट्स, कि इतना बड़ा जो ट्री है उसके जो फ्रूट्स हैं वो कितने छोटे हैं. वट हैज गॉड डन, कि परमात्मा जो गॉड है वो क्या करता है, ठीक है, कि इतना बड़ा ट्री है और उसके जो फ्रूट्स हैं वो इतने छोटे हैं. वाइल थिंकिंग ही फेल असलीप, ऐसे ही वो अपने दिमाग में अपने मन में सोच रहा था तो ऐसे ही उसको नींद आ गई, वो सो गया. ही वॉज वॉकन अप बाय शावर ऑफ फ्रूट्स लिटर लेटर, उसकी वो फिर अचानक से वो उठ गया. क्यों उठ गया? क्योंकि जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिर रहे थे पेड़ से.
ठीक है, ही वॉज वोकन अप, वो उठ गया, बाय शार ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिर रहे थे पेड़ से, जो छोटे छोटे फ्रूट्स थे वो नीचे गिर रहे थे। देयर वर फ्रूट्स ऑल अराउंड हिम एंड इवन ऑन टॉप ऑफ हिम, उसने क्या देखा कि जो फ्रूट्स हैं उसके सारी ऑल अराउंड मीन्स चारों साइड उसके फ्रूट्स ही फ्रूट्स गिरे हुए हैं, एंड इवन ऑन टॉप ऑफ हिम, और इवन उसके ऊपर भी जो है फ्रूट्स गिरे पड़े थे। ही देन रियलाइज्ड हाउ गॉड हैड बीन काइंड, उसने रियलाइज किया कि जो गॉड है वो कितना काइंड है, वो कितना दयालु है। ही सेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि अपने आप रियलाइज किया, अपने आप से कहा कि जो गॉड है वो कितना काइंड हार्टेड है, कितना दयालु है। ही सेड टू हिमसेल्फ हाउ फूलिश आई एम, कि गॉड जो है वो कितना काइंड है, लेकिन जो मैं हूँ मैं कितना फूलिश हूँ। ठीक है, जो गॉड है उसने रियलाइज किया कि गॉड कितना काइंड है और मैं कितना फूलिश हूँ। इफ बैनियन ट्रीज फ्रूट्स हैड बीन बिग, कि अगर बैनियन ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो बड़े होते, ठीक है, वो अब अपने मन में सोच रहा, पहले उसने ये सोचा था ना कि जो बैनियन ट्री है वो इतना बड़ा है लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं वो छोटे हैं, अब उसने सोचा कि अगर इफ़ बैनियन ट्रीज फ्रूट हैड बिग, इफ़ बैनियन ट्रीज फ्रूट हैड बीन बिग, इफ़ मतलब कि अगर बैनियन ट्री के जो फ्रूट्स हैं वो बड़े होते, आई वुड हैव बीन क्रश्ड टू दैट डेथ, तो क्या होता, मुझे ये लगता है कि मैं तो डेथ, मेरी तो डेथ ही हो जाती, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होते तो मैं उनके नीचे ही क्रश हो जाता, फ्रूट्स के नीचे ही अगर फ्रूट्स बड़े होते, है ना। तो उसने बोला कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैं ये सोच रहा था कि जो बैनियन ट्री है वो बैनियन ट्री है उसके जो फ्रूट्स हैं अगर बड़े होते तो मैं तो उनके नीचे ही क्रश हो जाता, मेरी डेथ हो जाती। थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग अ ट्री, उसने फिर गॉड को थैंक यू बोला कि उसने गॉड ने ऐसा ट्री बनाया है विच गिव्स शेड सो दैट ट्रैवलर्स कैन रेस्ट इन पीस, फिर उसने गॉड को थैंक यू बोला कि गॉड का थैंक यू करता हूँ, क्यों, क्योंकि गॉड ने ऐसा ट्री बनाया है, ऐसा अच्छा बड़ा ट्री बनाया है जिसपे जो ट्रैवलर्स हैं जिसके नीचे वो आराम कर सकें, ठीक है, ट्रैवलर्स कैन रेस्ट इन पीस। ठीक है, मॉरल गया इसका, एवरीथिंग इज राइट इन इट ओन प्लेस, फिर उसने मतलब इस जो ये हमने स्टोरी रीड करी है इसका मॉरल क्या है कि जो भी कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, एवरीथिंग जो भी गॉड ने बनाई है वो उसकी राइट प्लेस पे ही बनाई है। ठीक है, एवरीथिंग इज राइट इन इट ओन प्लेस, कि जो भी थिंग गॉड ने बनाई है वो अपनी प्लेस के ऊपर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चे, ये सिर्फ आपका ओरल ही है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, मैच दी फॉलोइंग दिए हुए हैं और सर्कल द राइट आंसर, ये थ्री आपकी बुक पे थ्री जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट असाइनमेंट में करवाऊंगी। ठीक है, इस असाइनमेंट में मैंने सिर्फ आपको लेसन रीड करवा दिया, अब नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है वो तीनों मैं नेक्स्ट असाइनमेंट में कंप्लीट कर दूंगी। ओके बच्चे, थैंक यू एंड रीड दिस लेसन।